नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर की जिसने आपकी कैपिटल को एक हफ्ते में डबल से ज़्यादा कर दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ GTL लिमिटेड की। और यहाँ पर गाइस, ये वीडियो में आप जैसे व्यूवर हैं विपिन साहू जी, इनकी रिक्वेस्ट पर मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। थोड़े दिन पहले भी इनकी रिक्वेस्ट आई थी लेकिन मैं उस समय कवर नहीं कर पाया, लेकिन ये कमेंट आने के बाद मैंने जब शेयर देखा तो बाप रे बहुत ज़्यादा भाग चुका था। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको आगाह करूँ और साथ ही साथ शेयर की सारी जानकारी आपको दूँ। यहाँ पर जो इनके डाउट हैं, इनके साथ साथ ये डाउट बहुत सारे आप जैसे जो जिनके पास ये शेयर है उनको उनके लिए भी होगा, और जो लोग नया लेना चाहते हैं उनके साथ भी ये डाउट होगा। तो यहाँ पर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया ना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कंपनी में इंसॉल्वेंसी एडमिट हो सकती है, ESM की स्टेज 2-1 में चल रहा है, 2 में भी आने वाला, अभी हो सकता कल ही आ जाए, ठीक है। ऑपरेटर किस तरीके से लड़ाई कर रहे हैं, कितने भयानक तरीके से ऑपरेटर एक्टिव हैं, तो वीडियो प्लीज़ पूरा देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं तो कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस कर बैठेंगे और बहुत बुरा फंस जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसी नाम से एक्जैक्टली सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैं कोई टिप नहीं देता हूँ, ना ही मैं टिप पर विश्वास रखता हूँ, और आपको भी यही सलाह देता हूँ, भैया बच के रहिए, नहीं तो आप अपनी कैपिटल को गंवा बैठेंगे और कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह मैं डालता रहता हूँ और अपने वीडियोस के लिंक वगैरह शेयर करता रहता हूँ। आप एक बार ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाएंगी, क्योंकि गाइस तुरंत वीडियो बना पाना कई बार पॉसिबल नहीं होता और यूट्यूब नोटिफिकेशन भी नहीं देता है। तो आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है धैर्य के साथ वीडियो प्लीज़ पूरा देखिएगा। ये 5 जनवरी का अपडेट आया था, इन्होंने GTL ने BSE और NSE दोनों को इन्फॉर्म किया था। यहाँ पर जो इन्होंने इनके ऊपर लोन वगैरह है, जो डिफॉल्ट्स वगैरह है, उसके बारे में जानकारी दी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो टोटल माफ़ कीजिएगा गाइस एक सेकेंड, टोटल डेट दिख रहा है आपको लगभग 4,230 करोड़ का। और यहाँ पर गाइस केवल प्रिंसिपल है, यहाँ पर इंटरेस्ट जो पे करना है इनको वो यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। वो यहाँ पर इन्होंने नोट लिखा हुआ है, तो नोट यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, नोट पूरा नहीं पढ़ेंगे। जो भी काम की चीज़ें मैं आपको सारी चीज़ बता दूँ, ये लेंडर से काफ़ी सारी बातचीत कर रहे हैं लेकिन अभी मामले का समाधान नहीं निकल रहा है। और ये 6ठा नंबर जो पॉइंट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस पर एक बार नज़र डाल लीजिए। यहाँ पर देखिए NCLT में जो लेंडर्स हैं उन्होंने केस इंसॉल्वेंसी के लिए केस डाला हुआ है, CIRP प्रोसेस के लिए NCLT में डाला था, लेकिन जो ऑनरेबल NCLT हैं उन्होंने 18 नवंबर 2022 को इसको रिजेक्ट कर दिया था। तो वहाँ पर एडमिट नहीं हुई थी इसकी इंसॉल्वेंसी। तो यहाँ जो NCLT से ऊपर जो होता है वो होता है NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, यानी कि अगर आप यहाँ से संतुष्ट नहीं है तो यहाँ जा सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे आप हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं है उनके वर्डिक्ट से, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये अभी पेंडिंग है बिफोर द NCLAT ऑन अपील बाय द सैड लेंडर। यहाँ पर जो लेंडर हैं ये है, लेंडर का नाम जो भी है फिलहाल यहाँ पर लिखा होगा। तो कुल मिला के अभी जो लेंडर हैं या इनकी जो अपील है ये NCLAT में पेंडिंग चल रही है, और यहाँ से अगर एडमिट हो गया तो फिर मामला मान के चलिए इनकी इंसॉल्वेंसी एडमिट हो जाएगी। और इंसॉल्वेंसी एडमिट क्यों ना हो, अच्छा खासा कर्जा है कंपनी के ऊपर, वो भी हम आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 5 जनवरी को ही BSE ने यहाँ पर इनसे क्लेरिफिकेशन मांगा था कि भैया इतना प्राइस आपका क्यों बढ़ रहा है, शेयर प्राइस मूवमेंट पे आप हमको सारी चीज़ें बताइए। तो यहाँ पर वही जो रटा रटाया जवाब होता है, यहाँ पर कंपनी वही कह रही भैया जो भी सारी चीज़ें हम डिस्क्लोज़ कर रहे हैं इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना हमारा कोई हाथ है। यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हैं ESM की स्टेज 1 में है, और आपको पता है इनहेंस सर्विलांस मेजर, मैंने बहुत अच्छा इस पर वीडियो बनाया, लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों ने उसको देखा है, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ये उस पर लागू होता है जिन कंपनियों का मार्केट कैप 500 करोड़ से कम है, और ये इसलिए बनाया गया है ताकि जो ऑपरेटर्स इसमें खेल करते हैं वो खेल ना कर सकें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आज ये लगातार अपर सर्किट पे आपको देखने को मिला है, उतने पे ही ओपन हुआ था हाई लो। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ऑपरेटर्स इसमें एक्टिव, अभी आप आगे देखेंगे। मार्केट कैप देखिए आप गाइस, इतना बढ़ने के बाद भी अभी 289 करोड़ का है, तो आप समझ सकते हैं कि अभी ये कितना ज़्यादा रिस्की शेयर है। यहाँ पर आपको पता है कामकाज इसका टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड इसका कामकाज है। बाकी हम लोग बात करेंगे तो आप देखिए प्रमोटर होल्डिंग 14.3% और लगभग पूरी की पूरी प्लेज पड़ी हुई है, यानी कि गिरवी पड़ी हुई है, तो दोनों चीज़ें बहुत ही ख़राब हैं। कंपनी के ऊपर आप डेट देखिए कितना ज़्यादा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6,000 करोड़ का डेट है, और मार्केट कैप देखिए 289 करोड़ का, मतलब इतना ज़्यादा है कि डेट टू इक्विटी भी आपका यहाँ पर डाटा नहीं है। लो और हाई आप देखिए, 4.70 रुपये का लो लगाता है, 18.80 रुपये का हाई लगाता है, समझ रहे हैं बात गाइस आपको आप। और यहाँ पर आप देखिए अभी करंट प्राइस 18.60 रुपये चल रहा है, तो बिल्कुल अपने हाईस पे चल रहा है, और कितना ज़्यादा भाग चुका है एक साल में, लगभग 4 से 5 गुना के आसपास ये भाग चुका है। अगर मतलब कंपनी में क्या है ऐसा जिस वजह से भाग रहा है, आप खुद देख रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें सारी वैल्यू करोड़ में है। रिजल्ट देखिए आप, सेल्स यहाँ पर सितंबर वाली 47, 46 करोड़, 47, 46, 46, तो लगभग आप देख पा रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से, कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सडन सारी चीज़ें भागी हों। यहाँ पर अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में आपको 66 करोड़ का जंप तगड़ा देखने को मिल रहा है, इससे पिछले क्वार्टर में लॉस था,
और लेकिन यहाँ पर देखिए आप 458 करोड़ का प्रॉफिट आया था, फिर लॉस आया था, तो कोई ऐसा नहीं है कि इसके बाद भयानक प्रॉफिट ही आ जाए, आ भी सकता है। तो यहाँ पर आप पूरा देखिए, यहाँ पर आप सारा आपको अनइवन दिखेगा, कहीं प्रॉफिट है और कहीं लॉस है। और दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर अदर इनकम से इनको देखिए 69 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर जो कंपनी का मेन काम है, इनकम वहाँ से होनी चाहिए, तभी बात बनती है। यहाँ पर अगर हम ईयरली लेवल पे सारी देखेंगे प्रॉफिट लॉस को, तो यहाँ पर देखिए साल दर साल आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए लगातार आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है सेल में। नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कितने तगड़े तगड़े लॉस देखने को मिले हैं, यहाँ से प्रॉफिट में आई, फिर यहाँ पर तगड़ा प्रॉफिट बढ़ा, फिर यहाँ पर डाउन, यहाँ पर अभी ट्रेलिंग 87 करोड़ चल रहा है। तो जो मोटा मोटा जो मेनली इनकम इनकी आ रही है, वो देखिए अदर इनकम आ रही है, देख पा रहे हैं पिछले कई सालों से यहाँ पर भी अदर इनकम से इनको अर्निंग्स हो रही हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो प्रमोटर आप देखिए आपको 14.29% काफ़ी टाइम से यहाँ से देखने को मिल रहा है, मार्च 2022 से आपको 14.29% है। FII आप देख पा रहे हैं गाइस 0.38 यहाँ पिछले तीन क्वार्टर से आपको वही देखने को मिल रहे हैं। DII आप देखिए अच्छे खासे हैं, यहाँ पर 11.29% लगभग दिसंबर 2022 है, तो अभी ये DII के पास अच्छा खासा स्टेक है, और लगभग 74% जो है वो मामला पब्लिक के पास है, और जहाँ पब्लिक बहुत ज़्यादा वहाँ ऑपरेटर का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। लास्ट में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और ये डाटा सितंबर 2023 तक का है, दिसंबर का अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप पॉजिटिव और नेगेटिव पढ़ सकते हैं, और बाकी मैं तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव बता ही रहा हूँ, तो उस पर हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे। अब ये देखिए गाइस यहाँ पर 5 जनवरी तक का ये जो डाटा है, इस पर देखिए कितने भयानक तरीके से यहाँ पर ये मानसी शेयर है, आपको पता है अक्षिता कॉटन वाली हैं मैडम, और अक्षिता कॉटन, गोयल और सेरा किस तरीके से उसको पंप एंड डंप किया गया था, 82 रुपये पे ले जाके लगभग 10 रुपये पे ले आए हैं सेरा को, गोयल को, अक्षिता कॉटन भी लगभग 26-25 रुपये पे आ गया था, और जो लोग प्रॉफिट में थे गए तो बेच नहीं पाए उस शेयर को, जब लोअर सर्किट लगना चालू हुआ ना 82 से, तो सीधा आगे भाई 30-20 रुपये के आसपास रुका था, तो जिन्होंने 50 पे लेके 80 रुपये तक का प्रॉफिट देखा था ना, वो सारा लॉस में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पर गई वीडियो को पॉज करके आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, देखिए आप खुद देखिए इसको, अगर मैं पूरा बताऊंगा तो आप काफ़ी समय लग जाएगा। देखिए किस तरीके से यहाँ पर खरीद रहे 11,29,000 शेयर यहाँ पर सब खरीदा है, फिर उसके बाद देखिए 5 ही तारीख का मामला है ये सारा, देखिए कितने भयानक तरीके से सारे ऑपरेटर्स एक्टिव हैं। देखिए जनवरी का पूरा है ये, देखिए जनवरी यहाँ पर भी जनवरी 2024 का, इससे पहले देखिए सितंबर में, ये सितंबर 2023 का डाटा है, ठीक है, इस सितंबर के बाद यहाँ से मामला शुरू हुआ और लगातार ये देखिए यहाँ पर भी मानसी आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये सब पेनी स्टॉक्स में गए ऐसे ही खेल करते हैं और रिटेलर्स को फंसाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप ये प्रमोटर हैं, ठीक है, और बचा हुआ जो मामला ये पब्लिक है, ये पब्लिक और ये DII जो है ये सारे आपको देखने को मिल रहे हैं, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, तो यहाँ पर आपके कितना परसेंट किसके पास स्टेक है वो देखने को मिल रहा है। रिटर्न देखिए क्या बेहतरीन आपको रिटर्न दे रखेंगे, 2 डेट 1 वीक में 45% लगभग, 1 महीने में 139%, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में 136%, 2 साल में अभी भी 13% माइनस, 3 साल में, 5 साल में, सब में भयानक रिटर्न इसने दे रखे हैं। तो आपने गाइस अभी तक देख लिया है खुद ही कि शेयर में क्या है और क्या इतना भागने के काबिल है ये। वॉल्यूम देखिए 16 लाख का, इससे पहले वाले ट्रेडिंग सेशन में बात करेंगे तो 16 लाख का, 1 वीक एवरेज देखिए 1 करोड़ है और 1 मंथ का एवरेज 51 लाख है, तो अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट कर रहा हूँ। यहाँ देखिए गाइस यहाँ पर लगभग 8 रुपये के आसपास ही ट्रेड कर रहा था, और यहाँ से देखिए 2024 वाले मामले में ही 2024 में यहाँ से देखिए 8 रुपये से सीधा यहाँ पर इस समय 18.70 रुपये पे लगभग यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है, तो अच्छा खासा भाग चुका है गाइस। यहाँ पर मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, अगर आपके पास शेयर है तो देखिए ESM की शेष 2 में ये मोस्ट प्रोबेबली कल आ जाएगा, ठीक है, कल आ जाएगा, तो वहाँ पर क्या, जैसे ही ESM की शेष 2 में आएगा वहाँ पर पीरियोडिकल ऑप्शन शुरू हो जाएगा और आप शेयर बेच नहीं पाएंगे, लोअर सर्किट लग जाएगा, हर घंटे ऑर्डर लगाने होते हैं वहाँ पर। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको नहीं पता होगा ये क्या है, मुझे पता है बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जिनको ESM की स्टेज 1 और 2 क्या है नहीं पता है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरा वो वीडियो जरूर जाके देखिए, यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको मेरे चैनल का दिख जाएगा वीडियो टॉप पे ही, ठीक है। तो मैं आपसे फिर से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, अगर आप प्रॉफिट में है, अच्छा 100% प्रॉफिट में ही होंगे यहाँ पर, तो मेरी पूरी सलाह आपको यही है कि निकल जाइए। आपने खुद देखा किस तरीके से ऑपरेटर्स खेल कर रहे हैं, NCLAT में मामला पेंडिंग चल रहा है, कब इंसॉल्वेंसी एडमिट हो जाएगी पता नहीं, 289 करोड़ का मार्केट कैप है और 6,000 करोड़ का डेट है, ये तो आप मतलब नेकेड आई से देख सकते हैं इस तरीके के स्टॉक में कितना पैसा आपको लगाना है, और आपका मन नहीं मान रहा है, अगर लगाना ही है या रखना ही है, आपने यहाँ पर कहीं ज़्यादा क्वांटिटी ले ली है तो भैया क्वांटिटी बहुत कम कर लीजिए, उतनी ही क्वांटिटी रखिए जितना खो जाए डूब जाए तो टेंशन ना हो। बाकी जाने को गए दिए 30 रुपये तक चला जाए, 40 रुपये तक इसको ऑपरेटर ले जाए, अक्षिता कॉटन को तो 82 रुपये तक ले गए थे, तो कोई बड़ी बात नहीं ले जाए, लेकिन जब लोअर सर्किट लगना चालू होगा ना तो आप फंस जाएंगे। हालांकि अभी 6 से 7 जैसे ही अपर सर्किट लगते हैं, ESM जो लाया गया है जून से वो इसीलिए लाया गया है ताकि वहाँ पर ऑपरेटर्स ज़्यादा लंबा खेल ना कर पाएँ, तो जैसे ही ESM की स्टेज 2 में आएगा तो मान के चलिए 90% चांसेस हो जाएंगे वहाँ पर लोअर सर्किट लगने का, और वहाँ पर प्राइस बैंड भी 2% का हो जाता है, पता है आपको
कि भैया 2% से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता और 2% से ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता, और वॉल्यूम भी एकदम खत्म हो जाएगा वहाँ पर, ये चीज़ मान के रखिएगा। तो चलिए गाइस, मेरा काम है आपको समझाना, बाकी मानना ना मानना तो आपके ऊपर है। नए लोगों को मेरी कोई सलाह नहीं यहाँ पर इस लेवल पर एंट्री करने की, इवन यहाँ पर भी मैं नहीं सलाह दूंगा। बाकी आपके अंदर अगर कीड़ा है, आपको लगता है कि नहीं मुझे लेना ही है, यही पैनिक स्टॉक चाहिए, तो भैया उतना ही पैसा जितना खो जाए डूब जाए तो टेंशन ना हो। बाकी गाइस, ये मेरे पर्सनल व्यूज होते हैं, मैं गलत होने का अधिकार रखता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और हम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट गाइस, वीडियोस प्योरली आपकी एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे बगैर कतई नहीं करेंगे। चलिए, धन्यवाद।